हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र पाल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो मैं आर्टिकल का लेके आया था। आर्टिकल में हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताऊँगा। और डेफिनेट आर्टिकल में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो अगर किसी ने मेरा इनडेफिनेट आर्टिकल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे दी गई एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें आप लोग उस पर क्लिक करके पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा टोटल डेफिनेट आर्टिकल पे है। दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहले तो मैं एक क्लियर करना चाहूँगा कि द का जो साउंड है वो कभी द होता है और कभी दी होता है। कई लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं कि कब द होता है और कब दी रहता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि जब कभी भी अगर जो द लिखा है उसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है तो उसको दा पढ़ते हैं, और उसी के जस्ट बाद वॉवल है तो उसको दी पढ़ते हैं। जैसे दी एंड है। दी एंड क्यों बोला? क्योंकि दी के जस्ट बाद एंड लिखा है और एंड का फर्स्ट अक्षर ई है और ई एक वॉवल है, इसलिए इसको दी एंड पढ़ेंगे। अगर यहीं पे मैं द बुक बोल रहा हूँ तो मेरे को द बुक बोलना पड़ेगा, क्योंकि द के बाद बुक लिखा है और बुक का फर्स्ट अक्षर वी है, वी एक कॉन्सोनेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम साउंड दा करते हैं और कब हम साउंड दी करते हैं। अब मैं आपको पॉइंट कुछ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आज जितने भी पॉइंट बताऊंगा उनको ध्यान से देखें, क्योंकि वो सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दा का प्रयोग फेमस बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एपिक्स के साथ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट में मैं बता रहा हूँ कि फेमस बुक्स यानी कि किताबों के साथ, फेमस मैगजीन्स, फेमस न्यूज़पेपर्स यानी कि अखबारों, या एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपने इसका नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक लिखी है। ये एक फेमस बुक थी इसलिए हम लोगों ने द लगा दिया। इसी तरह अगर हम मैगजीन की बात करें तो मैगजीन में चाहे वो फोर्ब्स हो चाहे वो टाइम्स हो, ये फेमस मैगजीन्स हैं इसीलिए हम लोग इसमें द लगाते हैं। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर भी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, सारे फेमस न्यूज़पेपर्स के साथ हम द लगाते हैं। एपिक्स यानी ग्रंथ, तो द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इन सब के साथ हम लोग द लगाते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था, इसमें मैंने सारी कागज़ से रिलेटेड चीज़ें ली हैं। सभी कागज़ की वो चीज़ें जो फेमस होती हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, फेमस रिवर्स, माउंटेन्स, पॉन्ड्स, सी, ओशियंस, इन सब के साथ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे रिवर की हम बात करें तो द गंगा एक फेमस रिवर है भारत की, इसके साथ हम द लगाएंगे। द नील दुनिया की एक फेमस रिवर है, अमेजन दुनिया की एक फेमस रिवर है, तो इसमें द नील, द अमेजन, इस तरह से हम लोग रिवर के यूज करेंगे। ऐसे ही सी, ओशियंस, माउंटेन्स, हिमालय, जैसे माउंटेन में हिमालया है तो इनके साथ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फेमस बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। फेमस बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, और मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। स्मारक यानी कि किसी की याद में बनाया जाने वाला कोई भी इमारत है जो याद में बनाई गई, उसको स्मारक बोलते हैं। तो दुनिया की सभी फेमस बिल्डिंग्स, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो यानी कि टेंपल हो या मॉस्क्यू हो या फिर स्मारक हो, उन सब के साथ हम द लगाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो द गोल्डन टेंपल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार और द जामा मस्जिद, ऐसे कोई सी भी बिल्डिंग फेमस की बात करेंगे या मॉन्यूमेंट्स की बात करेंगे उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, किसी शब्द के साथ अगर EST लगा हो या फिर मोस्ट लगा हो तो हम समझ जाते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और उसके जस्ट पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ द टॉलेस्ट में एंड में EST लग रहा है, हम समझ गए ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमें हमेशा इसके पीछे द लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मोस्ट इंटेलिजेंट, जैसे ही मोस्ट देखा हम समझ गए ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने इसके पीछे द लगा दिया।
तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ द का प्रयोग होता है। जितने भी संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी कि जिनसे संगीत बजाया जाता है उनके साथ द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पियानो, द हारमोनियम एंड द गिटार, द ड्रम, कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो उसके साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों सभी दिशाएं यानी डायरेक्शंस के साथ हमेशा द लगाते हैं, जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, इन सब के साथ हमेशा द लगाएंगे क्योंकि सभी दिशाओं के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों ये अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हमेशा रिपीटेड नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। रिपीटेड नाउन का मतलब होता है कि एक शब्द दो बार आए, लेकिन ध्यान रखें कि पहली बार ए और एन लगाएंगे उस शब्द के साथ, लेकिन दूसरी बार अगर वो आएगा तो उसके साथ द लगाएंगे। जैसे मैंने बोला आई रीड, डैश बुक, फुल स्टॉप, डैश बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें अगर हम बात करें तो आई रीड डैश बुक, पहली बार बुक आया है तो इसके साथ ए या एन आएगा, तो इसका साउंड बा जा रहा है इसलिए हमने ए लगा दिया, और दूसरी बार बुक आ रहा है तो इसके साथ द लगाएंगे क्योंकि इसका डबल बार यूज हुआ है। तो कोई सा भी सेंटेंस जिसमें डबल बार किसी का यूज हुआ हो उसमें दूसरी बार हमेशा द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पर ध्यान दें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए हम द प्रयोग करते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ पर बहुत उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी बुक पढ़ते हैं बट हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि उस बुक को मैंने पढ़ा जो इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसमें द लगाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, आई एट डैश एप्पल विच यू गेव मी यस्टरडे, मैंने वो एप्पल खाया जो आपने कल मुझे दिया था, यानी कि जो कौन सा एप्पल खाया जो आपने कल दिया था, फोकस किया गया है, फोकस किया गया है तो आंसर द होगा क्योंकि इसमें मैंने वो एप्पल खाया जो आपने कल दिया था। या फिर डैश बुक विच इज रेड इज नॉट अवेलेबल इन दिस मार्केट, डैश बुक विच इज रेड इज नॉट अवेलेबल इन दिस मार्केट, मैं बता रहा हूँ कि बुक जो रेड है यानी कि जो लाल है वो इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उस बुक पे फोकस किया गया, इसलिए आंसर क्या होगा द। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, फोकस करते हैं, तो उसके साथ हमेशा द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द का प्रयोग किसी भी डेट के नाम के पहले, बट आपको ध्यान रखना है कि वो जो डेट है उसमें नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि फोर लिखकर नहीं आना चाहिए बट फोर्थ, सेकेंड, थर्ड ऐसे लिख कर आता है तो उसके साथ द लगाते हैं। जैसे द फर्स्ट ऑफ अप्रैल, द सेकेंड ऑफ मार्च, ऐसे कोई सी भी डेट है उसके साथ हमेशा हम द लगाएंगे बट नंबर ना होते हुए वो सेकेंड थर्ड यानी कि उसमें अल्फाबेट में लिखा हो। तो ये सारे पॉइंट थे द के, जिसमें मैंने आपको बताया कि सभी फेमस चीज़ों के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों द का प्रयोग जो है वो एक इनफाइनाइट है यानी कि अनंत है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसको ज़्यादा समझोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओमिशंस ऑफ आर्टिकल के बारे में बताऊँगा। ऑमिशंस ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है कहाँ आर्टिकल यूज ना हो, और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स ए एन दा के लेकर आऊँगा। ये तीन वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ये मेरा सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो भी जल्दी मैं लाऊँगा। आपने आप मेरे वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक्स अ लॉट।